देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर लिया है, ऊन फिरोजी कलर लिया है और ये रेड कलर। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये जूती की तरह बन के आया है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर इसको बनाएं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप 1 घंटे में दोनों पेयर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत कम ऊन भी लगता है, ये देखिए 25 से 30 ग्राम सिर्फ इसमें ऊन लगा है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए जैसे लग रहा है नीचे सोल है, ऊपर से ये एकदम ट्रेंडी लुक है, जूती की तरह लग रहा है। तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। ये देखिए, चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे टोटल 32 फंदे लिए हैं और ऊन को मैंने यहाँ पे देखिए डबल किया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा पतला ऊन है। अगर आपके पास मोटी ऊन हो तो आप सिंगल कर लीजिए, लेकिन ये थोड़ी पतली थी तो मैंने सॉक्स बना रही हूँ तो मैंने कहा इसको डबल कर लेते हैं, क्योंकि सॉक्स हमेशा मोटी ऊन से ही बनाइए जो मजबूत हो। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी डिजाइन आप लोग को बता देते हैं। एक फंदा हम बुनेंगे, एक उतारेंगे, ये देखिए एक बुना, एक उतारा, एक बुना, एक उतारा, ये रो ऐसे ही हम कंप्लीट करते हैं। एक बनाएंगे, एक उतारेंगे, यानी एक स्लिप कर रहे हैं, एक नीट कर रहे हैं और उल्टा उल्टा ही। चलिए इसको बनाते हैं ये लाइन। देखिए फ्रेंड्स, अब पीछे की साइड आ गए, तो पीछे की साइड से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसमें हमने सभी फंदे को बुनना है। देखिए इसमें कोई भी फंदा छोड़ेंगे नहीं, हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के आगे हम आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे की साइड आ गए हैं। तो आगे की साइड अब आपने क्या करना है, जो फंदे हमने बुने थे उसको उतारना है, जो उतारा था उसको बुनना है। तो पहला फंदा हमने बुना था, इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। ये वाला फंदा नहीं बनाया था तो इसको हम बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो खुद ही ये पता चलता है कि कौन सा फंदा बना है कौन सा नहीं। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, तो ये हमारा बना हुआ है और ये बिना बना हुआ। जो बना हुआ है उसको उतार लेंगे, जो नहीं, जो उतारा था उसको बुन लेंगे। बस ऐसे ही ये हमारी डिजाइन बनती है। ये भी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये पीछे की साइड से बुन के उल्टा उल्टा आगे की साइड आ गए, तो ये हमारी डिजाइन कुछ ऐसे ही बन के आ रही है। फिर से वही रिपीटेशन होगा, जो फंदे हमने उतारे थे उनको हम बीनेंगे और जो बुना है उसको उतारेंगे। ये डिजाइन हमारी ऐसे ही बनती है। तो चलिए ये रो भी हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पीछे की साइड से सेकंड कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखा दे कि ये हमारी 6 डिजाइन बनानी है आपने। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये डिजाइन हमारी कुछ ऐसे बन के आएगी। तो देखिए इसके लिए हमने मोटी सलाई भी यूज किया है और डबल ऊन किया है। अब देखिए इसके पीछे हम लगाएंगे सेकंड कलर। यहाँ पे देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है, तो इसको देखिए ये 3 प्लाई ऊन है, इसको हम पीछे से लगाएंगे। दूसरा हमने ये ऊन ज्वाइन कर लेना है। अब इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स दोनों साइड से उल्टा उल्टा। अब हमने अभी डिजाइन नहीं डालनी है, बस सेंटर में पूरा प्लेन बनाना है। दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि कितना इसको उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये काउंट करेंगे तो हमने यहाँ से 30 से 32 सलाई बुनी हुई है। ये सेकंड कलर लगाने के बाद, रेड कलर लगाने के बाद आपने नॉर्मल दोनों साइड से उल्टा उल्टा 30 से 32 सलाई। तो यहाँ पे हमारी 16 लाइन ये बन के आई है। ये लाइन आप काउंट करेंगे, काफी ब्राइटनेस है ये सोल में, क्योंकि ये 3 प्लाई का उल है। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये हमारी 16 लाइन हमने यहाँ पे बनाई है। अब हम क्या करेंगे, 16 लाइन बनाने के बाद पीछे की साइड से हम फिर से अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। तो सेकंड कलर देखिए, हमने यहाँ पे लाइट स्काई ब्लू कलर लिया है और इसको मैंने ये देखिए डबल किया हुआ है फ्रेंड। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप डबल कर, सॉरी आप सिंगल ही बनाइए, अगर पतली हो तो डबल कर लीजिए, लेकिन ये अगर डबल में बनाएंगे तो ये डिजाइन ज्यादा उभर के आती है। तो चलिए पीछे से इसको हम डबल कर, सॉरी जोड़ लेते हैं।
नीचे से हमने इसको ऐसे ज्वाइंट कर लिया। इसको देखिए फ्रेंड्स, हम मोटी सलाई से बना रहे हैं। ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया। अब सेम हमने, जैसे हमने यहाँ पे ये डिजाइन बनाई थी, एक स्किप किया था, एक नीट किया था, ऐसे ही हमने ये 12 लाइन की बनानी है। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनी है, तो हमने 12 लाइन बुने हैं। तो चलिए फिर से हम ऊपर भी ऐसे डिजाइन बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये डिजाइन बना ली है। ये देखिए, तो हमने ये 6 लाइन की डिजाइन बनाई, यानी 12 सिलाई दोनों साइड का मिलाकर हमने ये बनाया हुआ है। अब हम फंदे को बंद करेंगे। तो देखिए हम फंदे को बंद कैसे करते हैं। पीछे के साइड से हम फंदे को बंद करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, दो फंदे का हम एक करेंगे, फिर इस फंदे को इस पे लाएंगे, इन दोनों को एक साथ हम बुनेंगे, फिर से इसी पे हम लाएंगे, फंदे को सब बाइंड ऑफ कर रहे हैं। देखिए आपने फंदे को बंद एकदम लूज करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है। ये देखिए, तो चलिए ऐसे ही हम इतना फंदा बंद कर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फंदे को बंद कर लिया है। तो ये देखिए काफी स्ट्रेचेबल है, क्योंकि मोटी ऊन से बनाया है, फंदे भी हमने इसीलिए यहाँ पे कम रखे हैं। अगर आप लोग पतले ऊन से बना रहे हैं, नॉर्मल ऊन से, तो आपने 40 फंदे रखने हैं। तो अब इसकी स्टिचिंग हम करते हैं। तो इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे। देखिए सिलाई करना बहुत ईजी है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम आप सेम कलर का ही धागा लें, ये यहाँ पे लगाने के लिए। ये देखिए हमारे एड़ी के साइड, आप चाहे जो भी, जो टाइम दोनों साइड से, चाहे जो भी आप एड़ी के साइड रख सकते हैं और एक फंजे के। तो ये एड़ी का साइड है, हमने जो यहाँ पे सेकंड कलर लगाया है, इसको हमने क्या करना है, देखिए इसको हमने गोलाई में सिलनी है। तो इसको हम देखिए, ये देखिए एक एक फंदे से हमने ये लाइन से निकालने हैं। ये देखिए, इसको हमने देखिए एक एक फंदे से ऐसे निकाला। इसको हम ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे गोलाई आ जाएगी और हमारा ये एड़ी का शेप आ जाएगा। और इसको हम यहाँ से ऐसे 2 से 3 बार टक कर देंगे, ताकि ये स्टिचिंग मजबूत हो जाए। धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको बाद में कट करेंगे। तो देखिए एड़ी का साइड हमारे यहाँ पे ऐसे गोलाई आ जाएगा। अब हम फंजे की साइड सिलते हैं। अब देखिए हम पंजा के साइड हम ये सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने ये नॉर्मल सिलाई करना है, बस आपने ध्यान देना है, बस हमने एड़ी के साइड हमने गोलाई में सिलना है। यहाँ पे हम नॉर्मल सिलते हैं, फिर यहाँ तक सिलेंगे। आपने नाप लेना है, जितना आपका पैर खुला हो उतना खोलना है, बाकी ये सब नॉर्मल सिलाई करना है। हमने देखिए फ्रेंड्स इतना ओपन रखा है, आप भी नाप के रखें, जितना आपका पैर चला जाए उतना आप इसको ओपन रखें, बाकी का यहाँ से देखिए नॉर्मल हमने ये स्टिचिंग कर ली। तो चलिए अब इसको हम सीधा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा किया, तो सीधा करने पे ये कुछ ऐसे बन के आया, बहुत ही प्यारा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, कितना ईजी है, तो आप लोग जरूर इसको बनाए। चलिए इसको हम पहन के दिखाते हैं। देखिये फ्रेंड्स, पहनने पे इसका लुक कुछ इस तरह आ रहा है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। देखिये आप लोग जरूर इसको ट्राई करें, बहुत इजी है, इसको सभी लोग बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये डिजाइन आप लोग ना बना सके, तो यहाँ पे आपने गार्टर स्टिच यानी उल्टा उल्टा भी रख सकते हैं एक सिंगल कलर से। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप लोग जरूर इसको बनाए। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाया, 6 नंबर के लिए मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे 35 फंदे रखें। और ये चीज आपने, ये हमने 6-6 डिजाइन बनाई, आप 8-8 कर दें बस। ये देखिए खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।